सर, अभी जो प्रदूषण है, जो धूल की एक परत है, वो आई हुई है दिल्ली एनसीआर में और पूरा लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या इससे बचाव है सर? देखिए, खास के अस्थमा के पेशेंट्स तो बहुत ही प्रिकॉशंस में रहे, बेटर है घर से ही ना निकले तो अच्छा है, इस धूल के एटमोसफेयर में घर में भी खिड़की बंद करके ही रखें। और बेटर ये है सब लोगों को मास्क लगा के घूमना चाहिए। बिना मास्क के इस समय घूमना अपने लंग्स को खराब करना है, नहीं तो पॉल्यूशन है एक तरह का ये, और ये सबसे विकृत सीवियर टाइप का पॉल्यूशन आप कह सकते हो। और इसमें अस्थमा के मरीज वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और ये धूल वगैरह जैसे खुली बाजार में चीजें भी नहीं खाएं क्योंकि उस पर भी ये पार्टिकल्स गिरते हैं, उससे इन्फेक्शन, पेट के भी इन्फेक्शन सेकेंडरी टाइप के हो सकते हैं। सर सर, अस्पताल में क्या स्थिति, लोग ज्यादा आ रहे हैं इसमें कुछ? हाँ, थोड़ा अस्थमा के मरीज आज सुबह बढ़े हैं, इसमें सांस के मरीज बढ़े हैं। यहाँ इस अस्पताल में सांस की सब दवाइयाँ उपलब्ध है और बेटर कर रहे हैं, यही एडवाइस करा जा रहा है डॉक्टरों द्वारा कि मास्क लगा के ही घूमें। जी, योगा करने में सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे एक्सरसाइज करने में, दौड़ने में, जैसे परेशानी सी हो रही, घुटन सी हो रही बहुत ज़्यादा, जैसे पहले करते हमें बिल्कुल भी एक्सरसाइज में परेशानी नहीं होती। दो तीन दिन से ऐसा मौसम है जैसे आज तक नहीं हुआ, इस टाइप से परेशानी हो रही, जैसे दौड़ने में, चलने में, किसी भी प्रकार हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल में अलग सा एक परेशानी हो रही। तो इससे है, जैसे आपको पता ही अस्थमा में दिक्कत है और भी पोल्यूशन तो है, धूल जो आ रही है उनकी दिक्कत है, उन सब लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत दिक्कत है, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग तो अपना, चलो बाहर योगा वगैरह करके कर लेते हैं काम, जो घर की महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत ज़्यादा है, परेशानी। हाँ, सांस लेने में आँखों में जलन हो रही है। अच्छा, मुझे धोले धोल मिट्टी हो रही है। अच्छा, क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं आप? अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं, मास्क वगैरह लगा के जा रहे हैं ऑफिस। बहुत परेशानी हो रही है, ड्राइव करने में परेशानी हो रही है, मैं गॉगल्स पहन के आई हूँ वॉक करने, खांसी आ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों का तो मैंने बाहर निकालना बंद कर दिया, अभी इंडोर स्टेडियम है, इस वजह से मैं लेके भी आई हूँ।